अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से है। होप सो गाइस, आपका रमजान अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा भी काफी अच्छा रमजान गुजर रहा है। सुबह आते हैं यहाँ पे, पूरा दिन यहाँ पे बैठ के काम किया, शाम को जाते हैं अफ्तारी की, उसके बाद नमाज अदा की, नमाज तरावी अदा की, फिर सो गया, सुबह उठा सहरी की, फिर यही रूटीन चल रही है इन दिनों। तो आपको बिना बोर किए मैं आज का सीन बता देता हूँ। आज का सीन ये है कि आज मैंने करवानी है जैनी लोगों की, मुनीर की और इदरीस की अफ्तारी। तो उनको अभी नहीं पता कि आज मैं उनकी अफ्तारी करवा रहा हूँ। तो अभी मैंने जाना है दीना अफ्तारी के लिए, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, फ्रूट लेके आना है। उसके अलावा उनसे पूछेंगे कि यार आप खाना क्या चाहते हो, उनकी डिमांड पर बना लेंगे, कोई कढ़ाई बना लेंगे, बिरयानी, जो भी कहेंगे बना लेंगे। तो अभी चलते हैं दीना, पहले सामान लेके आते हैं। तो चलिए जी चलते हैं। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम दीना मंडी में। ये दीना मंडी है हमारी इधर। तो अभी मैं लूंगा यहां से फ्रूट, तो उसके बाद फिर और भी जो इफ्तारी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं। अच्छा जी, हमने इफ्तारी का सामान ले लिया, इधर सेब ले लिए, केला ले लिया, उसके अलावा अमरूद ले लिए। तो ये खरबूजा 200 रुपये किलो सही है, मीठा कर दें ये भी 1 किलो, 1 किलो कर दें। पहले यहाँ से लेते हैं फ्रूट, उसके बाद देखते हैं और जो चीज़ें चाहिए होंगी वो लेंगे। अच्छा जी गाइस, हमने सामान ले लिया, फ्रूट वगैरह ले लिया, अभी लेने हैं चाट के लिए बल्ले, तो वो मिलेंगे हमें इधर करियाना स्टोर से कहीं से। तो अभी चलते हैं और बल्ले लेते हैं। A few moments later. फ्रूट लेके जी मैं आ चुका हूँ वापस। यार आज इतनी गर्मी है भाई, मेरी हालत तभी से खराब होना शुरू हो गई है, अभी 12 हुए हैं। तो बाकी जो चीजें चाहिए वो इधर से मिल जाएंगी, पकोड़े, समोसे, दही वगैरह, जितनी भी चीजें चाहिए वो हमें इधर अड्डे से मिल जाएंगी। तो अभी मैं करूंगा थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी टाइम काफी है, रोजा भी लग रहा है, गर्मी बाहर इतनी है। तो आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप असर के टाइम। A few moments later. टाइम जी इस टाइम 3:15 हो चुके हैं और मैं सो गया था थोड़ी देर, अभी उठा हूँ। तो जैनी आ गया, जैनी को मैं दीना बता देते हैं। जैनी यार आज की जो अफ्तारी है ना वो आपकी ना मेरी तरफ से होगी। तो मैंने सुबह पूछा ये किस लिए आया हुआ फ्रूट इधर, आपने कहा कि घर के लिए। वही ना, मैंने सोचा था कि तीनों को एक साथ बताऊंगा, लेकिन आप भी आ गए और मुनीब और दीस जो है ना वो भी आए नहीं है। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करवाऊं कल आप लोगों की। चले वो कर लेंगे ना, आज की इफ्तारी जो है ना वो आपकी होगी मेरी तरफ से, ठीक है। मजा आ गया, तो ख्याल आना ही था। अभी चलते हैं जी, गोश्त लेके आना है, उसके अलावा दही वगैरह लेके आना है। चले चलोगे? चलो आओ। टाइम अभी काफी थोड़ा 2 घंटे रह गए और तैयारी भी करनी है। गोश्त का ऑर्डर ये हमने दे दिया भाई मुदस्सर को, अभी आया इधर हफ्साब के पास, दही चाहिए था तो दही लेते हैं अभी, उसके बाद चलते हैं गोश्त लेते हैं, फिर चलते हैं जी। हमारे काका भाई हैं काका जी, दही जेड़ा ना जरा बेहतरीन किस्म का एक नंबर से सर, दही कोई परेशानी नहीं है, परेशानी का नहीं है सर, तबेदार हूं। ठीक हो गया, अजी वापस चाह के लेवणे तुसा को आ तो को दही सर, ए करो सर, आ दही नंबर बर्फी है, बर्फी है, बर्फी ऐसा कोई दे दिया ना, मैं थी हूं जबरदस्त हो गया। कितने पैसे काका जी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो रमजान ऑफर? रमजान ऑफर 100 से 4 समोसे, समोसे भी 100 से 4। ये इनकी स्पेशल ऑफर रमजान के लिए चल रही है, दही की भी और समोसों की भी। अच्छा जी, दही भी हमारा हो गया, उसके अलावा गोश्त भी हो गया, अभी चलते हैं और अफ्तारी की तैयारी करते हैं।
जी हमारा कंप्लीट हो गया है, फ्रूट भी ले आए थे, उसके अलावा अभी गोश्त भी आ गया, दही भी आ गया और ये बल्ले भी आ गए। तो घर टाइम काफी कम है, एक घंटा और 15 मिनट तकरीबन रह गया, तो अभी घर और चल के इफ्तारी बनाना शुरू करते हैं। घर जी हम पहुंच चुके हैं, मेन्यू है, हम बनाएंगे फ्रूट चाट और दही भले चाट। बनाने मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, फ्रूट चाट का तो पता है कि जस्ट फ्रूट ही काटना है और मिक्स करना होता है, वो तो मैं बना लूंगा, लेकिन दही भले जो है ना वो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके अलावा हम सालन में बनाएंगे, गोश्त वो अम्मी बनाएंगी। तो अभी चार टाइम देख लेते हैं, एक दफ़ा टाइम क्या हुआ है, 4:09 हो गए हैं, तो तकरीबन 1 घंटा रह गया हमारे पास। अच्छा जी, सबसे पहले इनको भिगोना है, ये आ गया हमारे पास पानी, तो इनमें से एक आइटम खुला हुआ, ये खुला हुआ था, मैंने इसको भी खोल दिया। वो ये पानी ज़्यादा है यार, इधर पानी भी ज़्यादा है। इनको मैंने भिगो के रख दी है, अभी देखते हैं कब तक ये तैयार हो जाती हैं, जल्दी हो जाएंगी, अब 10-15 मिनट तक ये हो जाएंगी रेडी, और तब तक मैं काट लेता हूँ अनियन काट लेता हूँ, उसके अलावा टमाटर काट लेता हूँ दही भले के लिए, और ये दही हमारे पास भले हमने रेडी कर दी है, तो अभी जी जनाब प्याज वगैरह ये काट लेते हैं। فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك। अच्छा जी, प्याज भी हमारे रेडी हो गए, टमाटर भी रेडी हो गए, और इधर ये हमारे बल्ले भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी बनाते हैं जी चटनी, पुदीने की चटनी। ये हमारे पास आ गया जी, इसको पंजाबी में हम कहते हैं लंगड़ी और सोटा, और इधर ये हमारे पास पुदीना आ गया जो कि इस टाइम एंड लगा हुआ है, इसकी हालत ख़राब हुई हुई है। ये जी धनिया, पुदीना, और अभी इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, और अभी बना लेंगे जी चटनी। अच्छा जी, धनिया और जो पुदीना है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देखें अभी इसमें डाल देंगे सिंपली जो है ना दही, ये चला गया जी, ये जी देखें जी चटनी की जो शक्ल है कितनी प्यारी आई है, ये देखें कितनी मजे की लग रही है। अभी करते हैं सब चीजों को मिक्स, सबसे पहले डाल देते हैं दही, ये डाल दिया जी दही, मुझे कोई पता नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये जी रेडी हो चुके हमारे बल्ले, इनको इसमें मिक्स कर देंगे। ये यार अगर सच्ची बताओ देखने में अच्छी अच्छे लग रहे हैं, बस खाने में अच्छी हो, ये ना हो जो आ गया ना, अगर सही ना होगा तो वैसे मुझे जो है ना इतनी बातें सुनानी ना, ये अच्छी है भाई, बोले हमें डालेंगे जी। अभी इसमें डाल देंगे जनाब ये टमाटर और प्याज, ये चीज़ ये चीज़, अभी इसको करते हैं एक मिक्स, देखते हैं कि कैसी शक्ल निकली है। यार अगर एक बात इसमें नमक और मिर्च डाली नहीं है, ओह हो यार देखो सही है, देखने में अच्छी लगी, एक मिनट में आपने बताने की देखने में अच्छी लगी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करूँ क्या, इसमें हम चटनी डालेंगे हमने भी बनाई है, ये जी चटनी हमें डाल दिया, अभी इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं, अलग भी हो गया तो अभी ऐसा भी नहीं, तो ये काम मेरा थोड़ा कम्प्लीट करते हैं। अभी इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, ये आ गया जी ऊपर इसके चाट मसाला, इसमें अब जी हम छोटी छोटी काट के डाल देंगे सब्ज मिर्च, ये खाने में ना सही देखने में तो अच्छी लगे ना। दही भले जी हमारी हो गई है रेडी, ये देखें एक दफ़ा, ओए होए होए देखने में अच्छी लग रही है, खाने में कैसी है ये मुझे नहीं है पता। एक जी हमारी डन हो गई है,
अभी जी असर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फ्रूट चाट भी बनानी है, पानी भी बनाना है, अभी काफी काम पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले नमाज अदा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने तैयार कर लिया दही भले, उसके बाद अभी हमने बनानी है फ्रूट चाट। अभी जल्दी से काटते हैं फ्रूट और बनाते हैं फ्रूट चाट, टाइम काफी कम रह गया। फ्रूट चाट भी हमने रेडी कर लिए, इसके अलावा दही भले भी रेडी है। अभी ये बना लेंगे लाल शरबत, उसके लिए पानी में लेके आ गया हूँ, चीनी मैंने डाल ली है इसके अंदर, देखें। तो अभी बनाते हैं लाल शरबत, अभी डाल लेंगे जी इसमें लाल लाल शरबत। और यार कमेंट करके बताना कि ये लाल शरबत जो है ना किस किस का फेवरेट है अफ्तारी में। ले जी शरबत भी हमारा हो गया रेडी। तो अभी मेन काम हमारा रह गया, हमने लेके आने हैं अड्डे से समोसे लेके आने हैं। तो अभी अपने छोटे भाई हैदर को भेजूंगा, जो कि अभी इस टाइम कैमरा मैन है, तो उसको भेजूंगा और वो लेके आएगा समोसे। उसके अलावा इधर उसके बाद इधर दस्तरखान लगा, तो टाइम भी आई थिंक टाइम कितना रह गया, टाइम रह गया जी जनाब 45 मिनट रह गए। तो काम अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, दस्तरखान भी लगा, इतनी देर में जैनी लोग आ जाएंगे। खान मैंने लगा दी है, चीज़ें वीज़ें अभी रख रहे हैं और अफ्तारी में तकरीबन आई थिंक 20 मिनट रह गए, टाइम देख लूँ मैं एक दफ़ा। हाँ 20 मिनट रह गए अफ्तारी में। तो अभी जैनी लोग, मुनीर लोग और दरीस लोग आते होंगे। A few moments later. दरीस लोग आ गए, मुनीर भी आ गए। सलाम अलैकुम हमदी साहब। ये वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? बंदा टाइम दे आ जाता है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलो बच्चियों शुरू हो कर दियो। दुआ मंगो पहले यार, वो दुआ आज मंगी थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। हमरा भाई दो ना इधर है, खोल के आप चले जाएं, हम बाकी खत्म कर देंगे, बाकी हम संभाल लेंगे, आपका काम इधर खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों चीजें ये चेक करके बतानी है आपने, खुद में ही है। पक्की बात है। वीडियो देखना ना, फिर तो देखो खाने का बलि हो रही है। चाय तो करो। नहीं नहीं कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं नहीं जहर मिला दिया इसने तो। ओ हो, ये तो अच्छी लग रही है। चल झूठा, पहले वो खाते हैं, कुछ मीठा हो जाए ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। पहले मुझे पानी दो यार, इसको इतना लगा हुआ है, कोई हिसाब ही नहीं है। ये पानी नहीं है, सादा पानी है। सादा नहीं हमारे घर बेटा। हेलो भाई, भाई यार पहले कभी ये ड्रामेबाजी ना किया करो, पूरा दिन मीठा खा खा के इस टाइम। म्यूजिक पहले कभी शुगर फ्री यार नहीं करो, नाम दिया रहा पिया पिया यार, उन्हें कुछ नहीं किया अभी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। कैसे है ये भी खुद बनाया है? चल झूठा, दुकान होता सब डाल लो, छोड़ो आप। नहीं नहीं ये घर वालों ने बनाई है, मजाक कर ये एक मजाक, नहीं ये एक मजाक ही है, बाकी जो ये दोनों चीजें मैंने खुद बनाई है यार। ये चटनी आपको पता होना चाहिए, चटनी भी मैंने खुद बनाई है, ये स्पेशल मेरे लिए आपने बनाई है। हाँ चटनी आप कैसे बना रहे हो? नहीं बनाई, ये चेक करके बताओ ये कैसी बनी है। मुनीब को डाल के दो, थोड़ा ये ज्यादा बस करूंगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, और ये बहुत है, बहुत है, ओ बस करो, ओ बजट और डालो डालो, गजक नहीं है ये, गजक नहीं बजट। इसका रिव्यू दो यार जल्दी से, जबरदस्त,
हाँ दरीश सीधी गल करी फिर दसा गया सोने तरीके नी सीधी गल यार सची गुड हो गया ये लगा सकता हूँ मैं पार्ट टाइम अफतारी जी हमने कर ली है एक उधर पड़ा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ लग गया इधर भी खा रहा है तो जैनी गया अभी दीना उसने अपने फादर साहब को लेके आना था दीना से इधर तो अभी मगरिब की नमाज अदा करते हैं उसके बाद खाएंगे खाना तो उसके बाद इशा की नमाज अदा करेंगे तरावी पढ़ेंगे हाँ खाना भी है हाँ खाने में क्या है खाने में दाल दाल आप दालियों ने नमाज पढ़ के जी हम लोग आ चुके हैं और खाना भी आ गया उठो ए एक इधर ये मोबाइल लेके बैठा हुआ है उधर ये जैनी लगा हुआ है इधर द्रीस लगा हुआ है और मैं पढ़ रहा था अभी आ जाओ यार खाना खाए ओए आ जाओ मुनीब उठ जा दिल लगल खाओ प्लेट्स कौन सी लेके आया इधर कांच वाली प्लेट से ये दूसरी कोई गल नहीं शुक्र करो तो कांच वाली प्लेटा भी लग गया ले लियो जी पाओ जी मुल्ला जी मुल्ला साहब पाई बेहतरीन होनी चाहिए कुकर आज नहीं है कुकर अच्छा जी अभी हम खाएंगे खाना उसके बाद शाह की नमाज का टाइम हो जाएगा फिर नमाज अदा करेंगे उसके बाद नमाज तरावी अदा करेंगे अभी पहले खाते हैं खाना मतलब भाई ये भी तो नहीं आपने पकाया नहीं नहीं ये नहीं मैंने ये खा ली यार जो मैंने बनाया था अच्छा था ना बहुत अच्छा था हमने खा लिया ये इधर जवान रहे हमारे वो उधर अपनी कॉल लगा के बैठा हुआ है हैदर साहब लेट गए हैं अदरीस साहब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताओ कि इफ्तारी कैसी लगी दबा के खाया ठीक हो गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा बिरयानी नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को मारो सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़